हाँ ये गाड़ी आ गई, देखिए आ गई है। पहले उधर जाने दीजिए, तो एक और पूरी भाजी आ गई विश्वराज भाई के ऑफिस में। बाबू कहाँ आ रहा हूँ, ये जा रहे हैं स्टूडियो पे, देखिए स्टूडियो पे जा रही है, देखिए विष्णु भाई का इंटरव्यू होने जा रहा है। पूरी बहुत ही आई है, देखिए पूरा लोग आ गए हैं यहाँ से, देखिए कोई बोलेगा नहीं, जो बोलेंगे विष्णु भाई बोलेंगे। जान से मरने की धमकी दे सकती है, हर चीज कर सकती है, क्या उसके साथ मेरा जीवन चलेगा इस तरह? आप चलाओ चाहे मत चलाओ, आपकी बात नहीं है। अगर देखिए बाजू मैं बता रहा हूँ, यहाँ मालिक का बात नहीं हो रहा है, यहाँ अर्जुन के वाइफ का बात हो रहा है। अर्जुन का वाइफ का हालत बहुत खराब है, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो क्या मालती अपने आप को माफ कर पाएगी? बाबू ये भी बात है कि अर्जुन पीछे थे अपने बाप को इस तरह छटका गया था, रियल बता रहा हूं। वो दोनों लोग तो शादी करके एकदम भाग गए, इसमें फंसा कौन? एक बात बता दें, अभी देखो मैं तो कुछ नहीं करूंगी, मैं तो कुछ नहीं करूंगी, लेकिन उसका परिवार करेगा। आप वहाँ पे थे, मैं कितना भी रुकूं उसका परिवार करेगा, एप्लीकेशन डालेगा, वहाँ के प्रधान जी उनके साथ हैं और वो हमसे यही बोले हैं कि आप जहाँ तक हो सके इस महिला का सपोर्ट करें। तो देखिए वो महिला गलत नहीं है, चाहे जो भी हो, है ना, वो अपने पति को पाने के लिए कुछ भी करेगी। अभी वो बोल रही है आप जो किए हैं सब पे मिट्टी पाओ, आप मेरे पास आओ मैं आपको माफ करूँ, अभी भी बोल रही है, एक वो महिला है। हम देखिए दोस्तों, आप लोग से ये कहना चाहते हैं, अगर बीच में भाभी ये भी बात है, अगर वो लोग साथ में गए हैं कुछ करते हैं तो इसका जिम्मा कौन होगा? उसका जिम्मेदार खुद होंगे, ये ही सही है। ऐसा ना हो कि जो लिखा गया है कि कुछ करती है, कुछ नहीं। एक मिनट, जो औरत हमें फंसा सकती है वो किसी को भी फंसा सकती है, जो औरत अपने पति की नहीं होगी किसी की नहीं होगी। अब देखिए जब मेरे साथ